ग्रेटर नोएडा से आग लगने का मामला सामने आया है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद दर्जनों सवारियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि ये रोडवेज बस आगरा से सवारी लेकर फाउंड्री नगर डिपो दिल्ली आ रही थी, लेकिन जैसे ही ये बस यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट पर पहुंची तो उसमें अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही बस में हड़कंप मच गया और सवारियों में चीख पुकार मच गई। हादसे के वक्त बस में करीब 15 सवारी मौजूद थी, सभी ने जैसे तैसे बस से कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। बस में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, वहीं पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। नवोदय टाइम्स के लिए करुण ठाकुर के साथ शुभम शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।